हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे कि पेशेंट का IVF के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद हमें कितने दिन का इंतज़ार करना है और प्रेगनेंसी टेस्ट कब कराना है, ताकि ये पता चले कि हमारा जो IVF है वो सक्सेसफुल उसका आउटकम रहा या नहीं। तो आमतौर पर जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो पेशेंट को हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं होती है और पेशेंट को हम सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं, और साथ ही साथ उसे बहुत सारे मेडिसिंस होते हैं। ये रूटीन तो हर सेंटर के अपने एक प्रोटोकॉल होते हैं, वो हर पेशेंट को बिल्कुल ही चलना होता है, और हम इनिशियल 15 दिन का एक मेडिसिन देकर के उसे घर भेजते हैं। लोगों का बहुत सारा सवाल रहता है, घर जा कर के काम नहीं करना है, कम्प्लीट बेड रेस्ट में रहना है, और उसे क्या चीज़ खाना है, कैसे उसका रहन सहन होनी चाहिए, ताकि उसके रिज़ल्ट पर भी एक अच्छा एक सपोर्टिव रोल हो सके। तो क्योंकि IVF में नियमतः आराम करने की या बहुत ज़्यादा खाने में पीने में परहेज़ करने की कोई ऐसी बातें नहीं होती है, लेकिन चूँकि IVF कराने के बाद सब लोग इतने कॉन्शियस रहते हैं, इतने एक्सपेक्टेंट रहते हैं रिज़ल्ट के पॉजिटिव होने के लिए, कि वो खुद भी अपने ही डिसाइड करके वो रेस्ट में चले जाते हैं, खाने पीने पर बहुत संयम बरतने लगते हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, हम लोग भी उसे इस बात के लिए सपोर्ट करते हैं कि ठीक है, हल्के काम करो, डेली का रूटीन सही रखो, और उसके बाद जो मेडिसिन एडवाइस की जाती है उसे 15 दिन तक निश्चित रूप से लो, और लेने के बाद हम लोग उसे 15वां दिन या तो पहले से एडवाइस करते हैं कि एक किट से, या अगर लेबोरेटरी पैथोलॉजी की अगर सुविधा है तो उस जगह पर कुछ हम लोग एक बीटा SCG की टेस्ट होती है, जिससे ये पता चलता है कि हमारा प्रेगनेंसी का स्टेटस क्या है, वो हम एडवाइस करते हैं। तो निश्चित रूप से लगभग 15 दिन तो निश्चित रूप से हम लोग इंतज़ार करते हैं, और उसके पहले कभी कभी लोगों को 12 दिन के बाद लगभग उसे कुछ सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो ये खुशी की बात होती है पेशेंट के लिए भी और सेंटर के लिए भी, जब हम फोन से बातें करते हैं कि नहीं, उसे थोड़ा सा नॉजिएटिंग टेंडेंसी हो रहा है, उसे खाना खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव शो करता है प्रेगनेंसी के लिए, तो वो पेशेंट हमें डिस्कस करते हैं। लेकिन फाइनली हम लोग 15 दिन के बाद टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के बाद भी हम बहुत अच्छी तरह से अस्वस्थ नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट का पॉजिटिव आ जाना ये खुशी की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक हम अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं करते हैं तब तक हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुल और फ्रूटफुल है या नहीं। और जब हमें कार्डियक एक्टिविटी दिख जाता है, बच्चे का धड़कन अल्ट्रासाउंड से कंफर्म हो जाता है, तब हम मान के चलते हैं कि इसका जो प्रेगनेंसी है वो निश्चित रूप से फ्रूटफुल एंड पॉजिटिव है। धन्यवाद।